Assalamu alaikum. Welcome to Bonafai. If you like my video, then subscribe my channel and click on the bell icon. So today we are making beef stir fry. मेरे बच्चों को चाइनीज़ डिशेस बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मेरी बड़ी बेटी को, तो मैं अक्सर बनाती हूँ चाइनीज़ फ्राइड राइस के साथ. इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीफ स्टिर फ्राई बनाना. बीफ स्टिर फ्राई बनाने के लिए हमें इन वेजीज की ज़रूरत होगी. हाफ बेल पेपर, वन कैरेट, चॉप जिंजर गार्लिक, स्प्रिंग अनियन और ग्रीन बेल पेपर. इन सबको हमें स्ट्रिप शेप में कट करना है. अब हम हाफ के जी से भी वन या अब हाफ के जी लेना बीफ बोनलेस लेना है और उसको भी स्ट्रिप शेप में कट कर लेना है. इसमें हम वन टेबल स्पून सोय सॉस डालेंगे, ऑलिव ऑयल डालेंगे हम इसमें टू टेबल स्पून, ब्लैक पेपर डालेंगे हम इसमें वन टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर डालेंगे. मेरी बेटी डाल रही थी थोड़ा सा कौन सा गिर गया था. अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए. आधे घंटे के बाद हम एक पैन में ऑयल डालकर बीफ को फ्लेम को हाई करके इसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई कर लें. बोनलेस सोच था कि जल्दी जल गया होगा. अब हम एक पैन में ऑयल डालकर चॉप जिंजर गार्लिक को फ्राई कर लेंगे. उसके बाद हम इसमें स्प्रिंग अनियन डालेंगे, थोड़ी थोड़ी सा इसको फ्राई कर लेंगे. उसके बाद सारी वेजीज को, कैरेट, ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर, इन सबको डालकर स्टिर फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे. उसके बाद हम वन टेबल स्पून सोय सॉस डालेंगे, नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से. वन टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर हमने पानी में डाल के फिर रखा था, उसको भी ऐड करके स्पून से मिक्स करके हम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे. पाँच मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पर अच्छे से स्टिर फ्राई करें. चलिए तैयार हो गया बीफ स्टिर फ्राई. अब इसके ऊपर आप हाफ लेमन कट करके उसका जूस के ऊपर डाल दें. नाउ बीफ स्टिर फ्राई इज़ रेडी. इसको ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी. इसके साथ चाइनीज़ फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं.